फूल वो शब्द है जिसे सुनकर ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जब एक फूल को देख हम इतना खुश हो जाते हैं, तो अगर हजारों फूल हमारे इर्द गिर्द आ जाएं, तब क्या हो। जी हाँ, हमारे भारत देश में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है जहाँ चारों ओर फूल ही फूल होते हैं। बात हो रही है उत्तराखंड की शान, विश्व धरोहर में शामिल फूलों की घाटी की। ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। बताते चलें कि चमोली में स्थित ये विश्व प्रसिद्ध घाटी पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रहती है और हर साल ये 1 जून को खोल दी जाती है। लेकिन इस बार ये घाटी खुली तो है, लेकिन इसका दीदार केवल स्थानीय या कहें तो भारतीय ही कर पाएंगे। कोरोना वायरस के वैश्विक संकट की इस आपातकालीन परिस्थितियों में अभी पर्यटकों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। सरकार द्वारा 8 जून को अनुमति मिलने के बाद ही भविष्य में घाटी में आवाजाही के लिए दिशा निर्देश जारी होंगे। फूलों की घाटी की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर पिछले बार जो है रिकॉर्ड संख्या में यहाँ पर पर्यटक आए थे, चाहे वो देशी पर्यटक हों या विदेशी पर्यटक। इस बार 1 जून 2020 से फूलों की घाटी खोल दी गई है, परंतु लॉकडाउन के कारण अभी यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही बंद है। जो ही नई गाइडलाइंस प्राप्त होंगी, इसमें पर्यटकों की आवाजाही जो है सुचारू कर दी जाएगी। विश्व धरोहर फूलों की घाटी समुद्र तट से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर 2.4 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। इसकी खूबसूरती के लोग कुछ इस कदर कायल हैं कि 6 नवंबर 1982 को इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया था, जबकि 2004 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया। दरअसल यहां सीजन में 500 से अधिक प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिले रहते हैं, जिसमें जापान का राष्ट्रीय फूल ब्लू पापी और उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी शामिल है। प्रतिवर्ष ये घाटी 1 जून को पर्यटकों के लिए खोल दी जाती है, जो अक्टूबर माह तक खुली रहती है। फूलों की घाटी का जन्म पिंडर से हुआ, इसे पिंडर घाटी का नाम भी दिया गया है। फूलों की घाटी का जन्म पिंडर से हुआ है, जिसे पिंडर घाटी या पिंडर वैली भी कहते हैं। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।